सो हेलो गाइस वेलकम टू द बी स्पोर्ट्स बात कर लेते हैं एसिक कप के बारे में तो एस सी कप में कल जो पहला मैच था गोकुलम वर्सेस यू नो बुशिंदौरा किंग्स तो वो मैच तो खैर बोसिंदौरा ने जीत लिया था 2-1 से एंड uh, मतलब ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो ही चुका था उसके बाद कि एटीके मोहन बगान नॉकआउट्स के लिए जाने वाले एंड uh, उसके बाद एटीके मोहन बगान वर्सेस माजिया का मैच था एंड एटीके मोहन बगान ने ये मैच 5-2 से जीत लिया है एंड एटीके मोहन बगान बन चुके हैं फर्स्ट इंडियन क्लब जो कि अपना यू you नो know, ग्रुप ओपनर मैच हारने के बाद भी यू नो नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई कर चुके एंड इंटरजोनल सेमीफाइनल वो लोग खेलेंगे ऑलरेडी uh, लो तो, like, लो लो दस बारह मैचेस खेल के रखा होगा एंड एडीके मोहन बगान ने एक दो मैच खेला होगा मतलब आई एस एल में तो खेला ही नहीं होगा गारंटीड, बट हाँ दूसरे किसी लाइक यू नो तब तक स्टार्ट हो जाएगा तो शायद वहां पर कुछ खेल फिट हाँ, तो बिल्कुल नहीं होंगे जो कि बहुत

कुछ भी नहीं है उनके पास ज्यादा ना कोई फॉरेन प्लेयर्स है ना ही लाइक ना नेशनल टीम के ज्यादा कुछ प्लेयर्स है बट फिर भी उन्होंने अच्छा खासा टक्कर दिया है एंड यही से पता चल जाता है कि रेडिके मोहन बगान का टीम तो काफी स्ट्रांग है लेकिन तब तक मैच फिट रहेंगे यानी वो बहुत बड़ा एक इश्यू है वरना मैच तो कल का जो मैच हुआ बहुत ही ज्यादा लाइक स्टार्टिंग से ही वन साइडेड हुआ है एंड आप प्रोभीर दास इंजर्ड हो गए तो प्रोभीर दास डेफिनेटली सेप्टेंबर तक फिट हो ही जाएंगे हर एक प्लेयर ही फिट हो जाएगा एक्सेप्ट टी और मेरे हिसाब से अगर हम लोग गोल स्कोर की बात कर ले तो जॉनी कोको ने स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा गोल

नो कल के गोलकीपर थे उनको मौका दिया गया एंड यू नो जॉन फेनांडो ऐसे टफ कॉल्स लेने से पहले सोचते भी नहीं इससे पहले मैच में भी उनको मौका मिला था क्योंकि अमरिंदर बिल्कुल भी इनफॉर्म नहीं है एंड आउट ऑफ शेप आउट ऑफ फॉर्म गोलकीपर को इतने बड़े स्टेज में खिलाने से अच्छा है आप यंग गोलकीपर को ट्राई दो जो कि जुआर ज्वार को बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम लोग यंग गोल कीपर को ट्राई देते हैं तो वो अपना हंड्रेड एड टू लगा देगा उनको पता है कि अरे एक स्टेज है मुझे अपने आपको प्रूफ करना है एंड यू नो अर्श अनवर शेख ने वही किया बहुत अच्छा गेम उनकी तरफ से एकदम ही टॉप क्लास गेम उन्होंने खेला देख के बहुत अच्छा लगा एंड यू नो प्रॉपर गोल प्रॉपर आउटिंग जो कि अमरिंदर से बार बार मिस हो रहा था जो कि एक टीम को एंड ऑफ द डे टीम को ही सफर करना होगा बट हां कल एडीके मोहन बगान ने दो गोल कंसीड तो किया जो कि ठीक है थोड़ा सा अटैकिंग खेल रहे थे एंड पहला गोल तो खैर पूरा दीपक टंगरी के मिस्टेक के कारण कंसीड हुआ है दूसरा गोल भी लाइक उनका थोड़ा सा क्रेडिट था ताना ने गोल किया दोनों ही एंड उनके टीम में भी एक स्टेवर्ट है जो कि उनका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगा फॉरवर्ड में एंड एडीके मोहन बगान का ओके रॉय कृष्णा का परफॉर्मेंस अच्छा था जॉनी को लिस्टन को लैसो ने बहुत अच्छा गेम खेला है काल ने लिटरली डोमिनेट किया मिडफील्ड को डिफेंस में संजीव झिंगन बहुत बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लगा उनका गेम एंड आप प्रीतम कोटाल ने भी अच्छा ही गेम खेला उनको भी बीच में थोड़ा सा इंजरी आया था बट वो रिकवर कर गया मतलब सीरियस कोई इंजरी था नहीं

सली खेल नहीं पाएंगे तो नेक्स्ट सीजन भी टीम को जितना हो सके स्ट्रांग बनाना होगा वरना लाइक like, वो लीग तो जीता है वो काफी एक बड़ा अचीवमेंट है बट चैंपियंस लीग खेलना भी हमेशा एक बड़ा चीज होता है एंड अगर उसको अचीव करना है तो या तो इस बार का लीग जीतना होगा या तो टीम को एक ऐसे शेप में रखना होगा ताकि जो इस सीजन जो होने वाला है उसमें जो लीग जीतेगा एंड जमशेदपुर के बीच में मैच होगा जो जीतेगा वो ए चैंपियंस लीग खेलेगा तो ऐसे करके मेरे हिसाब से थोड़ा सा लाइक यू नो उनको टाइम लेना पड़ेगा एंड सोचना पड़ेगा कि क्या करना है क्योंकि नेक्स्ट सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा वरना बहुत क्लोज आके भी वो चांस मिस कर जाएंगे जो कि

होगा मैनचेस्टर का या फिर बेसिकली ग्लेजर्स फैमिली का एंड ट्वेंटी परसेंट स्टेक रहेगा ईस्ट बंगाल का तो ऐसे करके करना चाहते हैं मैनचेस्टर के ओनर्स जो कि ग्लेजर्स फैमिली बहुत बहुत बड़ा बिजनेस उनका सर so, पैसे का कोई टेंशन नहीं है एंड अगर यूनाइटेड के ओनर्स यहाँ पे आते तो यू नो मेन जो अच्छा चीज होगा ईस्ट बंगाल के लिए कि एक ऐसा एक ओनर्स आ रहे एंड एक ऐसा एक्सपर्टीज लेके वो आएंगे एक ऐसा मैनेजमेंट लेके वो आएंगे जिनको ऑलरेडी पता है फुटबॉल वर्ल्ड के बारे में मतलब अनडाउटेडली लाइक यू नो अगर यूनाइटेड के जितने भी फॉर्मर मैनेजमेंट के यू you नो know, मेबर्स थे उनको ही अगर लाया जाता है तो वो अच्छे से आराम से संभाल लेंगे ईस्ट बंगाल की टीम को एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए ईस्ट बंगाल को क्योंकि बहुत ऐसे प्लेयर्स है जो कि ईस्ट बंगाल में आना तो चाहते लेकिन ये इनसिक्योरिटी के साथ नहीं आना चाहते कि यार पता नहीं इन्वेस्टर है या नहीं कब तक तो होगा वही लास्ट में कुछ प्लेयर्स को खरीदेंगे सो so, इसी कारण जो प्लेयर्स एक्चुअली आना चाहते ईस्ट बंगाल में इंटरेस्टेड है आने में वो भी अभी थोड़ा सा बैकआउट कर रहे हैं क्योंकि यार वही एक ट्रस्ट इश्यू है एंड लास्ट सीजन में हम लोगों ने देखा था कि वही इन्वेस्टर को लेकर बहुत झमेला हुआ है एंड इस बार यू नो सौरव गंगुली ने खुद मदद किया ईस्ट बंगाल की यार नहीं इस बार जैसे तैसे टीम से ही हो जाए जो कि मैं तो बोलूंगा बहुत ही ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए हमको

पहले तो मोहन बगान में भी वो थे मतलब इडके मोहन बगान में थे बेसिकली एंड ईस्ट बंगाल में वो मदद करे क्या टीम को खड़ा करे ठीक है वो जो भी हो कि यार बंगाल का टीम अच्छा होना चाहिए बट एटलीस्ट एंड ऑफ द डे आईएसएल का स्टैंडर्ड बढ़ेगा एंड यू नो टीम के अंदर कंपटीशन हम चाहते हैं देखना मतलब ऐसा नहीं यार वन साइडेड हो हर बार इडके मोहन बगान मुंबई इस साल तो खैर मुंबई ने बहुत सर्वाइव किया आई एस एल में लाइक इस साल काफी ज्यादा वर्सिटिलिटी देखने को मिला जो कि हम लोग देखना चाहते हैं यार हर साल एक ही चैंपियन नहीं देखना है मुझे मुझे नया कुछ यू नो चैंपियंस देखना है केरला फॉर्मेंस बहुत अच्छा था तो ऐसे करके अगर बॉटम ऑफ द टीम्स भी यू you नो know, अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे तो लीग बहुत कॉम्पिटेटिव हो जाएगा जो कि हम सब चाहते हैं एक लीग देखना एंड थैंक्स टू सौरभ गांगुली की उन्होंने ये स्टेप लिया एंड यू नो ईस्ट बंगाल को हेल्प किया कि उनको एक इन्वेस्टर मिल जाए एंड मैचेस्टर ट्रेड अगर आते हैं मतलब Blazers family अगर आते यू नो ईस्ट बंगाल में तो बहुत ही बढ़िया चीज होगा एंड इस चीज के बारे में आप लोगों के थॉट से कमेंट करके मुझे जरूर बताना इंडियन ट्वेंटी फाइव में स्क्वाड को लेकर सो so एफ एफ ने जो ट्वेंटी फाइव में स्क्वाड है जॉर्डन के फ्रेंडली मैच को लेकर वो अनाउंस कर दिया है एंड यहाँ पे कुछ यू you नो know, काफी अच्छा नेम जो देखते अच्छा लगा वह लक्ष्मीकांत

जो कि लाइक काफी नॉर्मल है राहुल बिक्रे को लिया जाएगा अनवर अली को लिया गया जो कि काफी बढ़िया बात है एंड यू नो संजय सिंह तो है बाकी नॉर्मल जितने भी यू नो डिफेंडर्स होते हैं उनको लिया गया है रोशन सिंह को मौका दिया गया है हरमनजोत खावड़ा तो रहेंगे ही मिडफील्डर में वही जैक्सन सिंह अनिरुद्ध थापा ग्लैन मार्टिस ब्रैंडन फर्नांडिस ये दोनों तो होंगे ही होंगे इंपॉर्टेंट प्लेयर है परफॉर्मेंस भी अच्छा है एंड लाइक यू नो ईगोर स्ट्री मैच उनको थोड़ा सा मौका भी देना चाहते हैं एंड उदंता सिंह है ऋतिक दास है और मोहम्मद यासिर साहल अब्दुल अब्दुल्सम सुरेश सिंह आशिक कुरुनिया को मौका मिला है एंड फॉरवर्ड में ईशान यू नो ईशान पंडिता सुनील छेत्री एंड मनवीर सिंह सो so, ईशान पंडिता को फिर से मौका मिला है तो उनको अपने आपको प्रूफ करना होगा एंड ये है इंडिया का ट्वेंटी फाइव मेंबर स्क्वाड गोलकीपर में वैसे गुरप्रीत सिंह और अमरिंदर सिंह भी है बट मैं चाहता हूँ कि अगर कट्टी मिल को एक मौका दे के दिया जाए मतलब एक मतलब फ्रेंडली मैच है

बट वो यूनाइटेड में जाना नहीं चाहते मतलब उनका ऐसे like, you know, उनको दिख के लग रहा है कि यार वो यूनाइटेड में जाने में कंफर्टेबल नहीं है अगर कोई दूसरा क्लब होता तो शायद वो सोच भी लेते बट यूनाइटेड का करंट कंडीशन भी सही नहीं है उनको पता नहीं है कि यार कोच कौन होने वाला है क्या होगा कौन सा प्लेयर रहेगा बहुत सारे यू नो डिसीजन लेना है यूनाइटेड को एंड इतना सबके बीच में अभी वो यू नो वैष्ठाम चुन के आना नहीं चाहते वैश्ठाम बहुत ही अच्छे पोजीशन में करेंटली प्रीमियर लीग में एंड प्रीमियर लीग तो खैर खत्म हो चुका है इस साल में अगर हम लोग देख ले तो ऐसा नहीं ने बहुत कुछ खराब किया लास्ट मैच है है। वो वो। वो अलग बात है, बट ने पोजीशन में में फिनिश फिनिश किया। से बहुत ही क्लोज था वो, अगर वो जीत जाते लास्ट मैच, तो you know, कर लेते यूरोपा लीग खेलते जो कि नहीं हुआ एंड इसी के कारण like, you know, पोटेंशियल एक तो इतना अच्छा कोच है उनके पास है। तो मैचेस निकाला जा सकता है अब देखते यू नो डेक्लेर लाइफ के आप छोड़ कर दूसरे क्लब में जाते नहीं पी एच डी की तरफ से पी एच डी ने इंटरेस्ट दिखाया फ्रेंकी डियोंग के ऊपर एंड यूनाइटेड तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड थे फ्रेंकी डियोंग के ऊपर अभी पीएचडी ने भी इंटरेस्ट दिखाया जो कि काफी बढ़िया बात है लाइक यू you नो know, बार्सिलोना के परस्पेक्टिव से भी अगर हम लोग देख ले तो मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से देख रहा हूं, मैं टीम तो मुझे लगता है कि यार डियोंग को छोड़ना एक बहुत बड़ा गलती होगा बट लाइक मैनेजमेंट को फंड चाहिए एंड डियोंग जैसे प्लेयर्स को अगर आप सेल कर देते हो तो फंड तो आ जाएगा बट उस लेवल का प्लेयर मिलना काफी मुश्किल है आप तो अगर फ्रैंकी डियों को सेल करते हो आपको 60 मिलियन यूरो मिल जाएगा मुझे पता है 60 मिलियन यूरो का तो ऑलरेडी बिड है उनके पास यूनाइटेड से सो so, वही एक प्लानिंग कर रहे हैं बार्सिलोना कि डियों को छोड़ना या नहीं या फिर अगर छोड़ना भी है तो कितने प्राइस में छोड़ना है तो कुछ डिसीज लेना होगा मैनेजमेंट को खैर मैं तो पर्सनली नहीं चाहता बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि फ्रेंकी डिय बार्सिलोना छोड़ के चले जाए और मिडफील्ड का सेंटर है वो एंड बार्सिलोना जो गेम खेलता है उसमें फ्रेंकी डियंग का रोल बहुत वाइटल है एंड बहुत इम्पोर्टेंट है एंड अगर वो छोड़ के चले जाते तो तब मेरे हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत वाला बात तो है बार्सिलोना के लिए अब देखते कि क्या फाइनली हो ना बार्सिलोना छोड़ के फ्रेंकी डियोंग को दूसरे क्लब में जाते नहीं